सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल प्राउड फाउंडर्स, हमारे जितने भी ऑन पैसिवियंस हैं सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत ज्यादा बधाई। क्यों, किस बात की बधाई? क्योंकि 2023 जो है हमारा रॉकेट बनने वाला है। क्या बनने वाला है? रॉकेट। क्या बनने वाला है? रॉकेट। रॉकेट बनने वाला है, यानी कि ये बात जो है हमारे एस मुफार सर ने जो 3 जनवरी को जो हमारा वेबिनार हुआ था उसमें एक लाइन शायद आपने सुनी नहीं होगी, शायद आपने ध्यान से उसमें बैक ऑफिस में जाकर के पढ़ा भी नहीं होगा। उसमें उन्होंने एक बात बोली थी अपने मुंह से कि 2023 इज अ रॉकेट, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रॉकेट का काम करने वाला है। ट्रेंड तो छूट चुकी है लेकिन अब ये रॉकेट वाला काम करने वाला है, क्योंकि इस साल बहुत सारी अचीवमेंट्स हम सब लोगों के सामने आने वाली हैं। अभी एस मुफारिज सर बहुत ज्यादा खुश थे, कल का जो वेबिनार हुआ था 7 जनवरी का जो वेबिनार हुआ था उसमें बहुत ज्यादा खुश थे, और 7 जनवरी के वेबिनार के अंदर उन्होंने एक बात कही थी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, वी डिड इट। क्या बोला था? वी डिड इट। क्या? वी डिड इट, यानी कि हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। उन्होंने जो कुछ सोचा था वो उन्होंने कर दिखाया। यही चीज होती है एक अच्छी सफल इंसान की, यही एक निशानी होती है, यही एक सफल व्यक्ति को जो है और ज्यादा अंदर से इंकरेज करती है। जब कोई एक काम अच्छे से पूरी स्ट्रेटेजी के साथ पूरी दम लगा करके वो जब काम पूरा हो जाता है तो दूसरा काम भी बहुत आसान हो जाता है उस व्यक्ति के लिए करना। तो यहां पे वी डिड इट, उन्होंने कौन कौन से काम किए थे? सबसे पहला तो आपको पता ही है कि जो हमारा विन स्पोर्ट्स के साथ पार्टनरशिप हुआ था, मतलब फीफा वर्ल्ड कप में जो एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट जो हुआ था वो उन्होंने बहुत, उनका भी एक सपना था कि यहां से क्राउड बहुत तेजी से आएगा, तो उन्होंने वर्ल्ड कप इसका भी उन्होंने करके दिखाया। उसके बाद उन्होंने वुड्स खलीफा के ऊपर जो जो हमारे जो भी हमारे एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, लेजर शो हो रहे हैं, और इससे पहले हमारे मार्च अप्रैल मई जून में जो हुए थे बहुत सारे प्रोग्राम वो भी हुए थे, और उसके अलावा वर्ल्ड ऑफिसेस, जी हाँ वर्ल्ड क्लास ऑफिस, यानी कि हर देश के अंदर उनका एक ऑफिस होना चाहिए, तो उन्होंने वो भी यहां पे करके दिखाया। दुबई के अंदर ऑफिस है, इंडिया के अंदर ऑफिस है, सिंगापुर के अंदर ऑफिस है, और इसके अलावा हमारा अमेरिका के अंदर भी एक इंटरनेशनल ऑफिस है। ये काम ऐसे ही नहीं हो गई है, बहुत मेहनत लगी है इनके पीछे। जो हमारा काम करने का एक रूटीन होता है 8 घंटे का या 10 घंटे का, उससे कहीं ज्यादा यहां पर ओवर टाइम लगाया गया है। 16 से 17 घंटे यहां पर ओवर टाइम किया गया है, तब जाकर के ये काम बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट तरीके से पूरा किया गया है। ये नहीं है कि बस यहां पर आपने कह दिया और हो गया, नहीं, यहां पर बहुत बहुत ज्यादा। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि ये जो 2023 की जो साल है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रॉकेट साबित होने वाली है। आपके जो भी सपने हैं वो आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं, और ऊपर वाले ने चाहा सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2023 में आपके सपने भी पूरे होने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, धीरे धीरे करके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स आप समझ रहे हैं कि बात कहां पे जा रही है, या मीन कहने का मतलब जिन चीजों का हम सब लोगों को इंतजार है, जो चीज एस मुफारिज सर लेके आना चाहते हैं, जिन चीजों के लिए हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं, और जो चीज जो है ह्यूमन को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। और हर एक इंसान अपलिफ्ट तब होता है जब उसके पॉकेट में कुछ पहुंचने लगता है, जब उसके पॉकेट में कुछ पहुंचने लगेगा, उसके वॉलेट में कुछ पहुंचने लगेगा तो अपने आप ही अपलिफ्ट होने लगेगा। तो कंपनी उसी पे ही सबसे ज्यादा फोकस कर रही है इस समय। इसलिए एस मुफारिज सर ने एक बात कही थी पिछले वेबिनार में, 2023 इज अ रॉकेट। बिल्कुल ये रॉकेट है, ये ट्रेन नहीं है, और ये एक ट्रेन नहीं है, ये प्लेन नहीं है, ये रॉकेट है, बहुत तेजी से जाने वाली है ये हमारी 2023, और इसके अंदर जो अचीवमेंट मिलेंगे वो अनबिलीवेबल होने वाले अचीवमेंट होंगे। जी हाँ, 2023 बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। अब आपको कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज करने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ अपना ही प्लेटफॉर्म यूज करने का आपको मौका मिलने वाला है। इसीलिए उन्होंने ये लाइन बोली थी, अगर आप एक बार ओ कनेक्ट को देख लेंगे ना, उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कहा था, क्योंकि ओ कनेक्ट के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है अभी तो हमने देखा भी नहीं है, अभी तो हम उसमें एंटर हुए भी नहीं है, अभी हम उसके अंदर कोई भी ऑप्शन हमने अपने हाथों से यूज ही नहीं किया हुआ है, उसकी स्क्रीन तक नहीं देखी अभी हमने अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप पर। तो अभी उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस लिया था आज से 7-8 दिन पहले, जो पहली बार जो एक कुछ लोग ओ कनेक्ट पे एक साथ लाइव हो गए थे, तो उनका जो एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस को देखने के बाद एस मुफारिज सर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक बात तो कह दी है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने
ओ कनेक्ट को देख लिया, उसको थोड़ा सा यूज कर लिया, तो ये गारंटी है कि वो दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करने की इच्छा नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो। अब नाम लेने से बार बार फायदा नहीं है, हमने ओ कनेक्ट के अंदर जो क्वालिटी को डाला है वो अपने अलग तरीके से डाला है, वो हमने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए डाला है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो लोगों को आ रही हैं, उसका सॉल्यूशन उसमें हमने दिया हुआ है। इसीलिए बहुत सारे जब सॉल्यूशन सामने वाले व्यक्ति को मिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज क्यों करना चाहेगा। जब आपके पास कोई भी चीज है और उसका सॉल्यूशन हो रहा है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास क्यों जाएगा, जब आप ही उसका सॉल्यूशन कर दोगे। तो ओ कनेक्ट इतना कॉन्फिडेंशियल है, इतना पावरफुल टूल है, और ये हमारे तो पूरे बिजनेस को बढ़ाने में, इस पूरी दुनिया को एक साथ कनेक्टिंग करने में और इस पूरी दुनिया के बिजनेस को एक साथ बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होने ही वाला है। इसलिए एस मुफारिस सर ने इसको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला था वेबिनार के अंदर, एक बार कोई इसको यूज कर ले उसके बाद तो किसी दूसरे टूल की उसकी इच्छा ही नहीं करेगी, उसकी वीडियो, उसकी रॉबस्ट ऑडियो, उसकी 4K क्वालिटी, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, उसके अलावा इसकी जो व्हाइट बोर्ड है, इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो क्वालिटी है इसके अंदर, और इसके अलावा इसमें कैलकुलेटर की बहुत सारे फीचर्स हैं। मेरी वीडियो जाकर के देख लेना आप, वो कनेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे वीडियो मिल जाएगी, इतने सारे फीचर्स हैं। तो वहां पे जब एक एक फीचर्स व्यक्ति को लगेगा कि हाँ ये फीचर बड़े कमाल का है यार, तो अब तो यहां पर ही मन लगता है। तो बस इसीलिए यहां पे बहुत बड़ा ट्रैफिक बहुत ही जल्दी इसीलिए आएगा, बहुत बड़ा। बहुत सारी कंपनियां इस टाइप के जो प्रोडक्ट है ना, जो अभी इस समय हमारा जो ओ कनेक्ट बन के रेडी हुआ है या और भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां इस टाइप के प्रोडक्ट बनाने के लिए ना जाने कब से प्रयास कर रही हैं, कब से ट्राई कर रही हैं, लेकिन वो बनाती तो हैं लेकिन वो फेल हो जाती हैं, या फिर यूं कहें कि वो उस तरीके से सक्सेस नहीं हो पाती। बनाने का प्रयास कर रही है, बहुत सारी कंपनियां बनाने का प्रयास कर रही हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाती। एक एस मुफारिस सर ने एक कंपनी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ उन्होंने ये बताया था कि सिलिकॉन वैली में एक कंपनी है जो पिछले 12 साल से जो है यहां पर इस टाइप के प्रोडक्ट को बनाने का प्रयास कर रही है और यहां तक पहुंचने का भी प्रयास कर रही है 12 साल से। अब आप खुद सोचो 12 साल तो अभी हमारी कंपनी को भी नहीं हुई है और आप यूं ही चिल्ला रहे हो, अरे हमारे सर 4 साल हो गए सुनते सुनते, 5 साल हो गए। बताइए एस मुफारिस सर ने अभी 12 साल एक एग्जाम्पल दिया है कि 12 साल से एक कंपनी लगी हुई है इस टाइप के प्रोडक्ट को बनाने के लिए, 12 साल से लगी हुई है सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। और यहां तो आप सोचिए कि ओ कनेक्ट भी आ रहा है, ओ ट्रिम आ रहा है, ओ नेट आ रहा है, ओ मेल आ रहा है, ओ ट्रैकर आ रहा है, उसके बाद ओ प्ले आ रहा है, और उसके बाद 52 प्रोडक्ट्स लाइन में लगे हुए हैं, वो धीरे धीरे करके सब आ जाएंगे। और पूरा का पूरा इंटरनेट, यानी कि सबसे ज्यादा किसी कंपनी के अगर इंटरनेट पर प्रोडक्ट होंगे तो ऑन पैसिव के होंगे। तो यहां 12 साल से कोई कंपनी लगी हुई है, वो यहां तक नहीं पहुंच पाई है और वो इसको देख करके बहुत ज्यादा आश्चर्य में है कि इन्होंने 1 साल में कैसे कर दिया, 1.5 साल में इन्होंने ऐसे कैसे क्या कर दिया कि ये बनकर रेडी हो गया। तो यहां पर एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि कभी कभी बड़ा अगर आपको युद्ध जीतना हो तो छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी भी पड़ती हैं। तो यहां पे बहुत सारी गलतियां होती हैं और गलतियों से सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब कौन कौन से युद्ध हमने कौन कौन सी लड़ाइयां हारी हैं, कौन कौन सी छोटी छोटी चुनौतियों का हमने सामना किया है, ये तो एस मुफारिस सर जानते हैं अच्छी तरीके से, टेक्निकल टीम जानती है। हम सब लोग तो घर में बैठे बैठे बस यूं ही कहते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो तो उनको फेस हो रहे हैं, हम लोगों को नहीं हो रहे हैं। तो यहां पे बहुत बहुत ज्यादा हम भाग्यशाली मान लो, हम बहुत ज्यादा लकी अपने आप को मानो कि आप आज ऑन पैसिव के अंदर हैं और आज आपका भविष्य पूरी तरीके से लिख गया है, आपका भविष्य पूरी तरीके से सेफ एंड सुरक्षित हो गया है। अब आपको आने वाले समय के अंदर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको शायद याद हो या ना हो, लेकिन मुझे अब बात एक याद आ रही है जो एस मुफारिस सर ने बोली थी कि ऑन पैसिव इज योर लास्ट बिजनेस। जी हाँ, ये बात बोली थी उन्होंने आज से लगभग 3-4 महीना पहले बोली थी वेबिनार के अंदर, ऑन पैसिव इज द लास्ट बिजनेस इन योर लाइफ। ये आपकी लाइफ का सबसे आखिरी बिजनेस होगा, इसके अलावा आपको कोई भी काम करने की या कहीं पर भी भटकने की, कहीं पर भी जाने की आपको जरूरत
नहीं पड़ेगी। यहीं पर ही आपके बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम खुलने वाले हैं। पहले तो सोर्स ऑफ इनकम हमारा एक है ही है, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे खुलने वाले हैं, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इस बात को माइंड में बिठा लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2023 हमारे लिए कितना ज्यादा लकी है, कितना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे आपके जो कुछ भी माइंड में है वो आप अपनी डायरी पर लिख लो और धीरे धीरे करके 2023 में सभी के सपने जो है यहां से सफल होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि डायरेक्शन सही होनी चाहिए चाहे आपको टाइम ज्यादा लग जाए। जी हाँ, डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए चाहे भले ही आपका आपको टाइम ज्यादा लग जाए। अगर आपकी डायरेक्शन गलत है और आपकी स्पीड ज्यादा है, जी हाँ आपकी स्पीड ज्यादा है, तब आप वापस आ जाओगे। सो डायरेक्शन इज अ बेटर देन द टाइम। जी हाँ, डायरेक्शन विल बी अ बेटर डायरेक्शन इज द मोस्ट पावरफुल। जी हाँ, राइट डायरेक्शन इज द मोस्ट पावरफुल देन द टाइम स्पीड। इस बात का ध्यान रखें, हमारी जो सही डायरेक्शन होती है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सही डायरेक्शन भले ही उसमें हमें टाइम ज्यादा लग जाए, टाइम की स्पीड उसमें मायने नहीं रखती है, लेकिन डायरेक्शन अगर गलत होगी तो हम वापस वहीं आ जाएंगे, फिर हमें उससे भी ज्यादा समय लगेगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या आपको करना है और इस 2023 में आपको क्या क्या तैयारियां करके अपने आप को रेडी कर लेना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। पहली बार मेरे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए फाउंडर्स के पास एक बार इसको शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर इन इट टू देख लिया, थोड़ा और देख लो, बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट मैसेज है और वो ये है कि अगर इस वीडियो का अगला भाग भी आप चाहते हो कि मैं लाऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया उसको भी कमेंट बॉक्स में। अरे यार ऐसे धक्का देता है कोई। हाँ तो सुनो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को भी दबा देना, और इस वीडियो पर 100 लाइक चाहिए मुझे, 100। जिसने भी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो समझ लेना जग्गा नाम है हमारा, सपने में आते हैं हम। ठीक, चलो बंद कर, चल।